ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी यूजर्स के लिए जो कि Redmi का Note 5 Pro, Redmi का Note 6 Pro यूज़ कर रहे हैं और उनके OTA में स्टेबल अपडेट नहीं आया है। तो इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ROM को डाउनलोड करके मैनुअली तरीके से MIUI 12 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको MIUI 11 का अपडेट मिला है, 12 नहीं मिला है। और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है Note 5 Pro के लिए भी, Note 6 Pro के लिए भी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह का आपको डाउनलोड फाइल देखने को मिल जाएगा और ये आपके फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर में देखने को मिलेगा। फिर आपको MIUI 11 पर जाना है, टैप करना है 5 times ताकि आपका चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन इनेबल हो जाए। उसके बाद चूज़ अपडेट पैकेज में जाना है, डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है और जो रोम आपने डाउनलोड किया डाउनलोड के सेक्शन में उस पर जाके आपको यहाँ पर टिक करना है। देख सकते हैं सबसे नीचे MIUI 12.0.2.0 है Redmi Note 5 Pro के लिए, इसी तरीके से 12.0.1.0 होगा Redmi Note 6 Pro के लिए। उसके बाद रिबूट एंड अपडेट का ऑप्शन आएगा इनक्रिप्ट होने के बाद, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। बैटरी की परसेंटेज 50% से ऊपर होनी चाहिए। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे डिक्रिप्ट हो जाएगा 100% तक और आपका MIUI 11 से MIUI 12 चला जाएगा और कोई भी डेटा यहां पर आपका लॉस नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 0% से लेके 100% तक ये कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका फ़ोन के ऊपर मैनुअली तरीके से आप MIUI 11 में MIUI 12 ऑफिशियल अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे फीचर्स के यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर काफ़ी आसानी से इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको भी इस तरीके का और वीडियो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन लिंक है, लिंक जरूर ट्राई करें।